ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा पहले पढ़ रहे थे, एक नजर रिवाइज कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं किसी तरह, एक नजर देख रहे। सर एक मिनट पढ़ने का क्लियर है सर, ये मेरे कंपैरिजन हुआ था, समझ आ गया था फेवरेबल एडवर्स कैसे। एक फिक्स बजट बनता है पीरियड के स्टार्ट पे, लेकिन अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो जाए फिक्स बजट से, तो फिर कंपैरिजन के लिए पीरियड एंड पे फ्लेक्स बजट बनता है। ठीक है, फ्लेक्स बजट में एक्टिविटी लेवल बस एक्चुअल है, एवरीथिंग इज बजट। चलो सर एक नया पेज निकाल, एक नया पेज निकाला उसमें हेडिंग लिखे मटेरियल। मटेरियल टोटल हेडिंग बनाई, पेज नंबर 76, एक मिनट सामने रखो। कल जो हमने एंड में कंपैरिजन किया है, अब हमने उसी कंपैरिजन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। पेज नंबर 76 का बिल्कुल एंड, तो मटेरियल का वेरिएंस निकाला सर हमने, किस किस का वेरिएंस निकाला हुआ है, यहाँ सेल का भी निकाला हुआ है, मटेरियल भी, लेबर भी, वेरिएबल ओवरहेड भी, फिक्स ओवरहेड भी, ग्रॉस प्रॉफिट भी, इन सबका अब हमने डिटेल में एनालिसिस करना है। लेकिन पहले हम जरा कॉस्ट वेरियंसेस करेंगे। तो कॉस्ट वेरिएंसेस में पहला कौन सा, मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस की जो जो फिगर्स दो आई हुई है 5400 एंड 5670, इनको जरा दोबारा रिवाइज करें, ये कैलकुलेट कैसे हुई है। 5400 कहीं ढूंढे, फ्लेक्स बजट में 5400 ढूंढे, ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन थी, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन राइट साइड पे लिखा हुआ, लेकिन इसके एक ब्रैकेट जो बनी हुई थी उस ब्रैकेट के एक्सप्लेनेशन ढूंढना नीचे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन दी गई है और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट लिया गया है, ऐसी है। पिछले पेज पर जाए, एक्चुअल 5670 कैसे आया था, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट, और फिर ये जो 5670 था इसका फाइनली नाम रखा था हमने एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। तब एक सेकंड आप इन्हीं पेजेस पर रहिएगा, पेज नंबर 75, 76, पहले 76 में है 5400 जो कैलकुलेट हुआ है, उसके दोबारा जरा वर्ड्स देख के कैलकुलेट कैसे हुआ है। हमने उठाया स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ऐसे, और फिर मल्टीप्लाई किया है
स्टैंडर्ड रेट से सर जी, स्टैंडर्ड रेट से, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट देख के बताना सर। 5400 प्लीज, पेज 76 स्टार्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाइड बाय, ये जरा दोबारा डेटा ढूंढ लेता। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या थी? एक यूनिट को बनाने में कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की लगनी चाहिए थी? लगनी चाहिए थी सर जी, सवाल वही लगनी चाहिए थी जो आपने बताया, लेकिन सवाल तो पूरा कर। पिछले पेज भी नहीं, 75 1.8 क्या था? वो लगी थी, हम स्टैंडर्ड ढूंढ रहे हैं। तो 900 यूनिट्स को बनाने में कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी? तो वन यूनिट शुड टेक 2 kgs, इंटू टू अगर किया मैंने तो 900 इंटू टू मीन्स 1800 kgs स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब 900 इंटू टू करेंगे तो ऊपर वाली फिगर पूरी होगी, लेकिन देन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी। क्यों? क्योंकि ये केजीज बन गए, ये केजीज में मटेरियल आ गए, और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी, तो फिगर आ गई। दोबारा सॉल्व करना, 5400, 1800 इंटू थ्री, तो व्हाट इज 5300, सॉरी 5400 स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। अब पेज नंबर 75 के एंड में चले गए। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे बनती है जरा बताएं। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन उठाई जाती है और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट किया जाता है। डाटा लिखो है, व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? सवाल मेरी कंडी पर है। वन यूनिट हैज एक्चुअली टेकन 1.8 kgs, सॉल्व करें जरा 900 1.8। व्हाट इज 1620? एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर केजी। एक केजी कितने का एक्चुअली पड़ा है? सॉल्व करें, 5670 का पूरा नाम बोलें। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, इन दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट करें। कैलकुलेटर अलाउड है सर? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन में डिफरेंस है 270। एडवर्स क्यों है? कोई एक्चुअल क्वांटिटी नहीं सर, पूरी कॉस्ट आ गई है, तो सिर्फ क्वांटिटी नहीं सर, रेट का भी फर्क है सर, क्या हो? इसका बिल्कुल सिंपल वे ये है, एक्चुअल खर्चा ज्यादा एंड दैट्स इट। ये खर्चे हैं सर, कितना खर्चा आना चाहिए था, कितना आया है? तो मटेरियल का खर्चा 270 ज्यादा है, क्या एक्चुअल खर्चा ज्यादा है? फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। अब यहां देखो, आपने लिखना है, लेकिन आपने कहीं इसी तरह लिखना है जैसा मैंने लिखा है, मींस लेफ्ट साइड और राइट साइड, मींस मैंने दरमियान में भी काफी वर्किंग करनी है। तो आप पेज के एक्सट्रीम्स पे लिखेंगे। ये कंप्लीट कर लेते हैं। साहब खान साहब, एक्चुअल रेट सफा नंबर 75 3.5 सर, ये जाती है सर, डेटा गिवन है यार, तो रेट कहां से है? 75 देखें, थ्री पॉइंट फाइव गिवन है, मिल गया सर।
जी शाह साहब, रेट मिल गए। वाइड बस ये नोट कर लिया। देन सर, ये अभी जो वर्किंग की गई है इसे जरा एनालाइज करना जरा काइंडली। ये जो 270 का डिफरेंस आया ये क्यों आया? कंसंट्रेट फुल लेफ्ट साइड पे देखें, क्या पहला 900 दोनों में कॉमन है? यस लेफ्ट राइट, तो इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन की वजह से तो कोई फर्क नहीं। एक्टिविटी लेवल तो हमने सेम कर लिया हुआ है, हमने फ्लेक्स बजट बना लिया है ताकि एक्टिविटी लेवल कांस्टेंट होके वेरिएंस आ सके। द दिस वेरिएंस इज नॉट ड्यू टू एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। ये टू क्या था? ये थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। उधर आए 1.8, ये थी एक्चुअल क्वांटिटी पर यूनिट। क्या क्वांटिटी का वेरिएंस है? यस सर। क्वांटिटी का वेरिएंस है। क्या क्वांटिटी एक्चुअली कम लगी हुई है? यस सर। 900 इंटू 2 बनता है 1800। यस सर। और 900 इंटू 1.8 अगर सॉल्व कर ले दोबारा, तो ये असल में 1800 केजीज का काम था जो हुआ है 1620 केजीज में। तो केजीज में फेवरेबल सिचुएशन है या एडवर्स है? फेवरेबल सिचुएशन है, लेकिन हमारा आंसर तो एडवर्स आ रहा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़े। एक तो क्वांटिटी का वेरिएंस है, आगे बढ़ेंगे तो रेट। 1 केजी को 3 रुपीज का खरीदना चाहिए था, खरीदा कितने का है? क्या रेट वेरिएंस एडवर्स है? तो लग रहा है कि रेट वेरिएंस ज्यादा एडवर्स है और क्वांटिटी वेरिएंस कम फेवरेबल है। तो ये दो वेरिएंसेस का एक इफेक्ट आ रहा है। किस किस चीज की वजह से वेरिएंस है? क्वांटिटी में भी वेरिएंस है, रेट में भी वेरिएंस है। तो इस वक्त ये जो टोटल वेरिएंस आ रहा है, ये क्वांटिटी वेरिएंस और रेट वेरिएंस का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब असूलन क्या होना चाहिए एज अ मैनेजमेंट? आपको ये दोनों वेरिएंसेस अलहदा अलहदा पता होने चाहिए, ताकि अगर क्वांटिटी कम लगा के प्रोडक्शन वालों ने काम कर दिया है तो उनको अप्रिशिएट किया जा सके, और अगर परचेज डिपार्टमेंट वालों ने रॉ मटेरियल महंगा खरीदा है तो उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल की जा सके कि भाईजान आखिर क्या हुआ है, क्या आपकी कोई नेग्लिजेंस हुई है या वाकई मार्केट में मटेरियल महंगा हो गया था। लेकिन अगर हम एज इट इज इसे रखेंगे तो हमारी क्वांटिटी की अच्छी परफॉर्मेंस रेट की बैड परफॉर्मेंस के साथ नेट ऑफ हुई है। फॉलो करें मेरी बात? yes, ये वेरिएंस इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, क्वांटिटी का भी इसमें वेरिएंस है और रेट का भी वेरिएंस है। फिलहाल वो नेट ऑफ हुआ है। तो अपने मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए हमें इसकी जरा सेग्रीगेशन अगर हो जाए तो जरा डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी कि रेट वेरिएंस से कितना नुकसान हुआ है और क्वांटिटी वेरिएंस से कितना फायदा हुआ है। ठीक है सर, तो मैं क्या करने लगा हूं? इस टोटल वेरिएंस को, इस टोटल वेरिएंस को ब्रेक करने लगा हूं किस किस में? क्वांटिटी वेरिएंस और रेट वेरिएंस। उसका बड़ा आसान सा एक तरीका ये होता है कि अगर दरमियान में एक और कैलकुलेशन कर ली जाए। अब इसको मैं समझाने के लिए स्टोरी इस तरह से बना रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह इसे इकट्ठा करते हैं। फिलहाल सिर्फ कंसंट्रेशन से आपने लॉजिकली चीजें अंडरस्टैंड करनी है। इन वेरिएंसेस को इकट्ठा, जो इकट्ठा वेरिएंस से कैलकुलेट हुआ है, इसको अलग करने के लिए एक कैलकुलेशन कर ली जाती है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। चलिए 2 मिनट जरा मेरे देने। एक
एक थर्ड कैलकुलेशन बीच में ऐड कर रहा हूँ, जस्ट एक सेकंड के लिए, इससे पहले कि मैं इसे लॉजिकली क्लियर करूँ, आप मेरी इन फिगर्स की बेस से मुझे दोबारा डाटा ढूंढ देंगे पेज नंबर 75, 76। एक मिनट सर, ये मौका तो दे। व्हाट इज द एक्चुअल क्वांटिटी, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन, सॉरी, वन यूनिट हैज एक्चुअली टेकन और मल्टीप्लाइड बाय, थ्री लो या 3.5 लो, स्टैंडर्ड एट लिखा मैंने। इस तरह करने से, इस कैलकुलेशन करने से फायदा क्या है? नहीं, वो आंसर आ जाएगा। एक सेकंड के लिए मैंने एक बड़ा बहुत सा बॉक्स बनाया लेफ्ट साइड पर, सिर्फ काइंडली इसी बॉक्स को देखना आपने थोड़ी देर पहले। चलें वैसे देखेंगे, जस्ट फोकस ऑन दीज फिगर्स। क्या किया क्या मैंने, क्या 900-900 कॉमन है? Yes, क्या 3-3 भी कॉमन है? Yes, सिर्फ फर्क कहां रह गया? तो मैंने रेट्स को कांस्टेंट रख के क्वांटिटी वेरिएंस यहां से फाइंड आउट कर लेना। और एक सेकंड के लिए अपोजिट साइड को देखें, इसमें क्या क्या कॉमन है? 900 भी कॉमन है, 1.8 भी कॉमन है। तो एक्चुअल क्वांटिटी को कॉमन रख के रेट वेरिएंस सेग्रीगेट कर। तो व्हाट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थर्ड वर्किंग? लेफ्ट साइड पे रेट्स कांस्टेंट रख के क्वांटिटी वेरिएंस आ जाए, और राइट साइड पे क्वांटिटी कांस्टेंट रख के रेट वेरिएंस आ जाए। तो ये जो थर्ड वर्किंग है, ये कोई फार्मूला नहीं है सच, इसका दरमियान में लिखा। सिर्फ क्या हुआ कि हमने जो टोटल वेरिएंस था उसका सब डिवाइड कर लेना। दोबारा काइंडली बोलेंगे, लेफ्ट साइड पे क्या कॉमन है? रेट कॉमन रख के क्वांटिटी वेरिएंस आ जाएगा, और राइट साइड पे क्वांटिटी कॉमन रख के रेट वेरिएंस आ जाएगा। असल में ऊपर क्या हो रहा था, जो फर्स्ट फार्मूला ऊपर बनाया हुआ है सीधा, ये जो फर्स्ट कंपैरिजन किया था हमने, इसमें क्या क्या इकट्ठा ही कैलकुलेट हो रहा है? क्वांटिटी और रेट वेरिएंस इकट्ठा कैलकुलेट हो रहा है। डिसीजन मेकिंग के लिए सेग्रीगेट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक और वर्किंग कर ली। उस वर्किंग के रिजल्ट में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इस तरफ से क्या निकलाएगा? क्वांटिटी वेरियंस। और इस तरफ से क्या निकलाएगा? मटीरियल रेट वेरियंस। तो सेंटर में काइंडली बना लें, फिर मैं फर्दर और फिगर्स की तरफ जाता हूँ। एक दरमियान में दो ऐसे चला दे थोड़ी देर। बस फिलहाल गांडी बात से एज इट इज लिख के रुक जाओ। बस लेफ्ट साइड के फिगर्स का कंपैरिजन करें, कहां कहां फर्क है? 900-900 में कोई फर्क नहीं है, 2 और 1.8 में फर्क है। ये क्या है, 2 और 1.8? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी।
और रेट में भी कोई फर्क नहीं है। आंसर बताइएगा इस लास्ट बॉक्स का। 4860 मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, लेफ्ट साइड ऊपर फिगर आ रही 5400 और नीचे फिगर आ रही 4860, ये क्यों डिफरेंट है? ये तो सेम नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ क्वांटिटी की वजह से डिफरेंट है। तो एक मिनट जरा दोनों का आंसर लें, दोनों का सॉरी डिफरेंस लें। 5440 क्या है ये? नहीं नहीं वेरिएंस है, डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? लेकिन डेफिनेटली क्वांटिटी का डिफरेंस, इसको भी क्लियर रखिएगा जरा। 900 into 2 करें, नीचे आए 900 into 1.8 करें, तो क्वांटिटी में वेरिएंस है 180। सॉरी कैलकुलेटर पकड़ना है यार। 900 into 2 1800, 900 into 1.8 क्वांटिटी में वेरिएंस कितना है? यह है केजीज का वेरिएंस। लेकिन क्या आपको केजीज के वेरिएंस की रुपीस भी पता होना चाहिए? तो 540 क्या है? क्वांटिटी की वजह से रुपीस का वेरिएंस। क्या रुपोंग भी पता होना चाहिए, कितने रुपोंग का फायदा या नुकसान हो गया? ठीक है, तो 540 क्या है, रुपीस है या केजीज है? और सर जी रुपीज है, केजीज है यार, बताएं वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है या एडवर्स है? ये कैसे पता चलेगा यार? अगर एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है, अगर एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है तो आपको कैसा लग रहा है? और अगर एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल हो जाए तो फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन सिंपली कैसे होना है? अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? बताएं सिचुएशन में अच्छा लगा है या बुरा लगा है? तो देयरफॉर एडवर्स है, देयरफॉर फेवरेबल। लेकिन इस वेरिएंस का फाइनली नाम भी एक साथ लिख लें। आपका क्या ख्याल है, नाम क्या होना चाहिए? किस चीज का वेरिएंस है? इसको कहते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो 5400 एंड 4860 का जो डिफरेंस है 540, इट इज फेवरेबल बिकॉज चेंज कर देते। सर क्लियर है प्लीज, फॉर फेवरेबल नाम लिखे सर इसका, मटेरियल क्वांटिटी। सर क्वांटिटी सर ब्रैकेट में एक और वर्ड भी लिखा, क्वांटिटी यूजेज वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी बोला जाता है, और इसे मटेरियल क्या मतलब होगा? मटेरियल यूजेज वेरिएंस, क्या ज्यादा यूज हो गया कम यूज हो गया? अगर कम यूज हुआ तो फेवरेबल हो गया। तो यूजेज क्वांटिटी वेरिएंस, क्या चीज यूज हुई है इसको बनाने में? क्या चीज यूज हुई है फिनिश गुड्स को बनाने में? मटेरियल की क्वांटिटी यूज हुई है। ये
ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कंफर्म प्लीज यहां तक। देन सर जरा राइट साइड पे आइएगा, देन कहीं राइट साइड पे आए, जरा राइट साइड के जो बॉक्स बड़े से बॉक्स में फिगर्स हैं उनमें डिफरेंस लें। 810 अभी 810 का जो वेरिएंस है ये समझ आ रहा है प्लीज क्या हो रहा है? इसका जरा डेप्थ में जाएं फिगर्स को देख के, जरा क्यों फर्क आया ये? तो एक्चुअल रेट ज्यादा हो गया या एक्चुअल रेट कम हो गया? इसका कैसे पता चलेगा फेवरेबल है या एडवर्स है? अगर एक्चुअल रेट ज्यादा है तो एडवर्स होगा और अगर कम है तो फेवरेबल होगा। वाई एडवर्स? एक्चुअल रेट ज्यादा है, नाम लिखें इसका, मटेरियल रेट, इसका बड़ा रेट के साथ साथ प्राइस वेरिएंस भी करते हैं, मटेरियल रेट या मटेरियल प्राइस वेरिएंस। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग वर्किंग से बता दी सर। देन सर फाइनली कॉस्ट का देखें जरा, 540 फेवरेबल है, 540 फेवरेबल वेरिएंस है, किस वजह से? क्वांटिटी की वजह से। और राइट साइड पे 810 एडवर्स वेरिएंस है रेट की वजह से। इन दोनों को अगर आप नेट ऑफ करेंगे तो वही 270 आंसर आ जाएगा। यस सर, असल में वो 270 एडवर्स किस वजह से है? 810 एडवर्स वेरिएंस ऑफ रेट की वजह से और 540 फेवरेबल वेरिएंस ऑफ क्वांटिटी की वजह से। तो मटेरियल का जो टोटल वेरिएंस होता है वो किन दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस एंड मटेरियल रेट वेरिएंस। और डेफिनेटली इनका फिर जो नेट आंसर है वो टोटल वेरिएंस के साथ मैच करना चाहिए हमेशा। एनी कंफ्यूजन? डिक्लेयर है जी सर। देन सर अब ये जो बॉक्सेस वगैरह बनाए हमने, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं बॉक्सेस तो मुनासिब नहीं है, तो इस पर जरा मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल करने लगा हूँ। तो आपने प्लीज अब जो करने लगा हूँ यही मैंने इसी को मैंने जरा प्रेजेंटेबल करना, तो यहाँ से ऑनवर्ड्स फिर आप स्टोरी इस तरह से बना लेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मटेरियल टोटल वेरिएंस? पहले पूरा सुना आपने, मटेरियल टोटल वेरिएंस जब मैं लिख रहा हूं तो मैं फर्स्ट टू बॉक्सेस जो हमने सामने बने इनकी बात कर रहा हूं। तो इन बॉक्सेस में जाए, लेफ्ट साइड में क्या लिखा नजर आ रहा है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। ये वेरिएंस फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल खर्चा कम होगा। एडवर्स कब होगा? ये वाली जो ब्रैकेट है ये हमें क्या बता रही है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, पेज नंबर 76 देखें, 5400 की बात हो रही है। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन पेज नंबर 75 के एंड पे जाए, ऑपोजिट ब्रैकेट क्या बता रही है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है सर, देन फिर ये टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला ये सब डिवाइड हो जाता है बिटवीन मटेरियल
क्वांटिटी या यूजेज वेरियंस, फिलहाल दोनों लिखते हैं, ऐसा ऐसा देखते हैं फाइनली कौन सा लिखते हैं, मटेरियल क्वांटिटी और यूजेज वेरियंस, एंड ऑपोजिट साइड पे मटेरियल रेट या प्राइस वेरियंस। देन इनके क्या फॉर्मूलाज है, अपने पास जाएं, अपने रजिस्टर में जरा ज्यादा बेहतर है, मुझे लिखना भी इस सेशन में पूरा नहीं दिखा सकता, लेफ्ट बॉक्स देखें, इसमें सर जी जो डिफरेंस है ना वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का रेट कॉमन है, तो थोड़ा जरा मैथ्स अगर अप्लाई कर सके यहाँ तो स्टैंडर्ड रेट इस स्टोरी में कॉमन बन सकता है, तो डिफरेंस किस किस का है गौर से अपना आंसर देखें, लेफ्ट वाला अपना रजिस्टर में देखे बोर्ड पे देखे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और फाइनली मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, क्या ये जो स्टैंडर्ड रेट है फिर ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों से लेदर लेदर मल्टीप्लाई करने की बजाय स्टैंडर्ड रेट कॉमन लिया जा सकता है, एक दफा देख के फॉर्मूला बोलना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज मेरा ख्याल है कि मैंने नई बात कोई नहीं की, अगर आपको लग रहा है तो प्लीज बता दो, स्टैंडर्ड रेट कॉमन है, तो राधे दैन के बार बार उसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए, डिफरेंस है क्वांटिटीज की वजह से तो ब्रैकेट में क्वांटिटीज कंपेयर कर लेंगे, और स्टैंडर्ड रेट दोनों में कॉमन यूज हो रहा है, ये वेरियंस कैसे पता चलेगा कि फेवरेबल है या एडवर्स है, अगर एक्चुअल क्वांटिटी कम लगेगी तो फेवरेबल है और अगर ज्यादा लगेगी तो एडवर्स, क्लियर है सर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये हम राइट जरा स्टोरी देखें, राइट इधर से क्या कॉमन रख के किसका डिफरेंस लिया जा सकता है, यहाँ से में रेट्स डिफरेंट है, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इनका कंपैरिजन होना है, और क्या कॉमन लिया जा सकता है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो इसका बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये फॉर्मूला ये वेरियंस, इस फॉर्मूले से वेरियंस कैसे पता चलेगा फेवरेबल है, अगर एक्चुअल रेट कम होगा तो फेवरेबल है और अगर एक्चुअल रेट ज्यादा होगा तो एडवर्स है, नोट करें। तो स्टोरी का जो पहला चैलेंज है ना दैट इज के फॉर्मूले याद होगा, तो ठीक है हम कोशिश करके समझ लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन फॉर्मूलाज को जरा याद करना पड़ रहा है।
लिख ले तो गाड़ी बताओ। बेटा ये अलग अलग फॉर्मूला है, इसमें इस फॉर्मूला ये अलग फॉर्मूला ही अलग है, ये अलग वेरिएंस कैलकुलेट होगा, एक ये है और उसके दो नीचे सब डिवीजन। एक टोटल फॉर्मूला उसी की सब डिवीजन, ये तीन फॉर्मूला होगा ठीक है, यानी फॉर्मूला इसी टोटल का ब्रेकअप है, ये वही तो रिकनसाइल है। मान लीजिए 278 बस था, वो एडवर्स क्यों था, 540 फेवरेबल की वजह से और 810 एडवर्स होने की वजह से तो वो 270 एडवर्स था। ये प्लीज क्लियर। देन सर जी वापस पेज नंबर 76 पे जाना है। अब जब मैं इस तरह कहता हूँ उस वक्त आप मेजोरिटी से सीरियस ही नहीं लेती बात को। पेज नंबर 76 के एंड पे दोबारा जाए, कौन से अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, अगला नाम क्या आ गया, लेबर। लेबर में इस वक्त टोटल वेरिएंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके अगर डेप्थ में जाएंगे तो वेरिएंस मौजूद है। कैसे, आप ये 2160 फ्लेक्स बजट में और 2160 एक्चुअल में जरा ढूंढ लें और ढूंढ के मुझे उसी तरह लिखवा दें फाइनली, जिसने अभी थोड़ी देर पहले आपने पूरी स्टोरी में से सुनी। 2160 फ्लेक्स्ड बजट में बना हुआ है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन के नाम से बना हुआ है सर, और उसको नीचे जरा ढूंढे एब्रीविएशंस के एंगल से। ये 2160 बना कैसे है, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर। पिछले पेज पे 75 वहां भी 216 है एक्चुअल में, लेकिन वहां ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन है। बनी कैसे है वो 2160 की फिगर, एक्चुअल आवर्स वर्क्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। तो उसी तरह जैसा थोड़ी देर पहले हमने सारी स्टोरी बनाई है, इसी इस लेबर की स्टोरी को भी बनवाएं। आपसे रिक्वेस्ट है पहले आराम से तसल्ली से देखें, टोटल लेबर टोटल कैसे कैलकुलेट होता है। पेज नंबर 76 के एंड पे जो देख रहे हैं उसी को ढूंढना है बाकी। पहला 2160 फ्लेक्स्ड वाला कैसे कैलकुलेट हुआ है, हमने स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन उठाए और उसे मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड रेट से। ऑपोजिट साइड पे लिया एक्चुअल आवर्स वर्क, पेज नंबर 75 के एंड पे एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लिए और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर आ लिया। एक सेकंड के लिए वर्किंग दोबारा करा दे उसी डाटा से, वही पेज नंबर 75। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, मेरे बर्ड्स प्लीज वॉच से सुने, व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, वन यूनिट शुड टेक, ये मैंने यहाँ शुड वर्ड क्यों बोला, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, शुड टेक वन आर यस सर, एक्चुअली टेकन ढूंढने कितना, ये कहाँ मिलेगा एक्चुअली टेकन, एक्चुअली टेकन कहाँ मिलेगा, ये एक्चुअल में मिलेगा। ये नंबर 75 76 तो 76 में है, व्हाट वन यूनिट शुड टेक वन आर, इट मींस 900 घंटों का काम था, 900 इनटू 1 करके 900 घंटे हो गए और एक घंटे के पैसे किस रेट के हिसाब से देने थे। स्टैंडर्ड ढूंढ रहे हैं एक्चुअल ढूंढ रहे हैं, व्हाट इज 2.4 स्टैंडर्ड रेट पर आ, दोबारा कैलकुलेटर पकड़ के सॉल्व करें। व्हाट इज 2160
स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, पेज नंबर 75 के एंड पे चले जाए। हाथ थक गए हैं? नहीं थके, इतने भी नहीं थके। एक्चुअल प्रोडक्शन है, वन यूनिट हैज एक्चुअली टेकन 1.2 आवर्स, एक्चुअल आवर्स लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय वन आवर हैज एक्चुअली कॉस्टेड अस 2 रुपीज पर आवर। आंसर बताओ, 2160। व्हाट इज स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन? 2160। व्हाट इज एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेरियंस? 0 वेरियंस। लिखे यहां, ठीक है, दरमियान में जरा जगह रखें। चलिए वेटिंग प्लीज, अगर लिखेंगे तो बता दो। अरे होप के समझ आ रहा है क्या? वजह आखिर आज समझ आ रहा, कल नहीं आ रहा था, परसों नहीं आ रहा, नहीं मेरे भाई से पूछा, भाई मेरे एक फास्ट फ्रेंड है, मेरे उससे पहले नहीं समझ आ रहा था यार, तुमको दिन दिन आराम से सो रहा होता था, उन दिनों समझ नहीं आता। ठीक है, बात है, आई होप सर आप रोज आएंगे सर। जी सर, ये वेरियंस तो जीरो है, लेकिन जरा यार थोड़ा सा एनालिसिस करें जरा अमाउंट का, क्या सब कुछ सेम? क्वांटिटी सेम है सर, क्वांटिटी सेम। क्या आर्स में डिफरेंस है? व्हाट इज दिस वन एंड व्हाट इज दिस 1.2? एक यूनिट को घंटे में बनना चाहिए था, बना 1.2 में है, ज्यादा टाइम लगाया लेबर ने। आप लेबर नहीं है इस वक्त, आप बिजनेस के ओनर है। अगर लेबर बन के सोचेंगे तो अच्छा ही होगी, तो आपका बिजनेस है, आपकी लेबर ने कितने घंटों का काम कितने घंटों में किए, असल में कितने घंटों से, शायद मेरी मुराद 900 घंटों का काम, फाइनली 900 घंटों का काम उधर सॉल्व करा जरा, 900 × 1.2, ठीक है, एक यूनिट ने एक घंटे में बनाना चाहिए था, उन्होंने 1.2 आवर्स में बनाया, तो कितने 100 घंटों का काम कितने 100 घंटों में हुआ? 900 घंटों का काम 1080 घंटों में हुआ, तो ये तो फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, एडवर्स है, ज्यादा टाइम लगा। कुछ आंसर कहता है कोई वेरियंस नहीं, आगे बढ़े आगे बढ़े। रेट में भी वेरियंस है, रेट में भी वेरियंस है, ये 2.4 क्या और उधर 2 क्या है? ये है कि एक घंटे के 2.4 पीस के हिसाब से एक्सपेक्टेड था कि पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन हम समझते थे शायद जिस स्किल के एम्प्लॉइज होंगे उस स्किल से शायद हमें लोअर स्किल के एम्प्लॉइज मिले, और उन्होंने पैसे तो कम लिए हैं लेकिन टाइम ज्यादा लगा। हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस स्किल के लोग हमें मिलेंगे काम के लिए वो एक यूनिट को एक घंटे में बना देंगे, हाँ, लेकिन वो उस घंटे का रेट 2.4 पीस के हिसाब से लेंगे, लेकिन लगता है एक्चुअली हमें जो लेबर मिली है उसने काम तो इनएफिशिएंटली किया है, लेकिन शायद इनएफिशिएंसी की वजह से या उनकी वो स्किल नहीं थी जो अवेलेबल होनी चाहिए थी, उन्होंने रेट फिर कम लिया,
कौन सा वेरिएंस फेवरेबल मौजूद है वैसे लग रहा है और कौन सा एडवर्स लग रहा है? तो जीरो क्यों आंसर आ रहा है? लग रहा है कि आर्स में जो फेवरेबल सिचुएशन, सॉरी आर्स में जो एडवर्स सिचुएशन थी वो रेट के फेवरेबल सिचुएशन से नेट ऑफ थी। तो वंस अगेन दिस टोटल वेरिएंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएंसेस, आर्स में वेरिएंस एंड रेट में वेरिएंस। क्या इसको भी सेग्रीगेट नहीं हो जाना चाहिए ताकि पता चले आर्स की वजह से कितना नुकसान हुआ है और रेट की वजह से कितना फायदा हुआ है? ठीक है नेट तो जीरो है लेकिन ज्यादा बेहतर एनालिसिस कैसे हो सकता है कि ये फिगर्स डिवाइड हो जाए, अलग अलग नजर आ जाए। क्लियर है सर? इसको बेटा वैसे ही डिवाइड कर देंगे जैसे ऊपर किया था, ऊपर जाने था जहां ऊपर डिवीजन नहीं थी, सेंटर में मैंने एक वर्किंग रखी थी उसी तरह की वर्किंग यहाँ हो जाएगी लेकिन वहां क्वांटिटी यूज था, यहाँ आर्स वर्क है। तो यहाँ अगर एक और वर्किंग कर दी जाए, एक्चुअल आर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, व्हाट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्किंग जो मैं दरमियान में करता हूँ? सेग्रीगेशन के लिए, इस सेग्रीगेशन के लिए। कैसे सेग्रीगेशन हो जाएगी? पहले आप हजम कीजिए, करा कैलकुलेशन करवा देने, मैंने फिगर्स लिखे ढूंढने, एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढे। One unit has actually taken 1.2 hours. And what is the standard rate? What is the only objective of this working? Answer बता दें जरा यहाँ पे। Solve कर दें जरा। 2592. बताइए 2592 favorable है या adverse है? Adverse. और जाना सर ये जो amounts है ना, ये amounts favorable adverse नहीं है। जब difference लेंगे तो difference का नाम variance है। Variance simply means differences. The amounts है, मैंने ऐसे जानबूझ के बीच में पूछ लिया। जब तक हम figures का difference नहीं लेंगे तो variance calculate नहीं होगा। ये तो कोई, ये कोई difference नहीं है, ये calculation है। इसका तीन calculations हो गई अब इस तरह से करें। एक 2160 rupees की calculation है, एक उधर 2160 की है, ठीक है ये। जब इनको आपस में कंपेयर करेंगे तब वेरियंस निकलेगा। वो जीरो कैसे आया? डिफरेंस है, वो डिफरेंस है। जब दोनों को कंपेयर किया तो फर्क ही कोई नहीं है, तो फर्क ही कोई नहीं है मींस वेरिएंस ही कोई नहीं। तो वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स या चेंज कर रहा। तब जरा काइंडली लेफ्ट साइड देखें और थोड़ी जरा अगर आप हेल्प कर सकें, कहां कहां चेंज नहीं है? क्वांटिटी सेम है, रेट भी सेम है, 1 और 1.2 की वजह से फर्क है। तो क्या यहां से आर्स का वेरियंस निकल आएगा? राइट साइड देखें, वो देखेंगे ऑपोजिट बॉक्स से क्या निकल आएगा, क्या कॉमन है? नहीं क्वांटिटी नहीं, अब वर्ड्स बदलने जा रहा है। एक्चुअल आर्स वर्क कॉमन है दोनों में, 900 1.2 900 1.2। सिर्फ कहां फर्क है? 2 और 2.4 में फर्क होने की वजह से अमाउंट का फर्क है। तो राइट साइड पे एक्चुअल आर्स वर्ल्ड कॉमन रख के रेट्स कंपेयर हो जाएंगे और लेफ्ट साइड पे रेट्स कॉमन रख के आर्स का वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। हजम डन, लेकिन फाइनल करें जरा डिफरेंस लेफ्ट साइड पे। व्हाट इज 432 रुपीज? नहीं रुपीज वेरिएंस है, ठीक है वो देख लेंगे, वो बात की बात है। जो रुपए हैं वेरिएंसेस के रुपए हैं, लेकिन ये वेरिएंस आया क्यों है? आर्स की वजह से या रेट की वजह से? तो इस वेरिएंस का एक नाम रख लेते हैं, फिर बाद में डिसाइड करते हैं फेवरेबल या एडवर्स। इसे कहते हैं लेबर आर्स, लेकिन आर्स को अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था यूजेज, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये यूजेज एम्प्लॉय को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जरा वर्ड जरा अजीब सा लग रहा है लोगों के लिहाज से। किया उन्होंने ही हम एम्प्लॉयज को, किया हमने वही है जो आपने वर्ड बोला है, ये इस्तेमाल ही है, लेकिन जरा वर्ड गैर मुनासिब सा है लोगों के हवाले से। मटेरियल तो इस्तेमाल ही हुआ है, बंदे भी, लेकिन इस्तेमाल अगर हों तो बंदे इसको इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं बंदों की एफिशिएंसी ले ली है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एफिशिएंट हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप कम टाइम में ज्यादा काम करते हैं या ज्यादा टाइम में कम काम करते हैं। और अगर आप कहें कि मैं बहुत इनएफिशिएंट हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि मैं ज्यादा टाइम में कम काम करता हूँ। तो ये जो आर्स हैं ये क्या बता रहे हैं? ये एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बता रहे हैं। तो यहाँ एक और वर्ड भी यूज होता है लेबर आर्स के साथ साथ, लेबर एफिशिएंसी भी।
efficiency is measured in terms of hours. मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि आप एफिशिएंट है या नहीं? आपको कोई टास्क दूंगा और उसके लिए कोई गिवन टाइम दूंगा, अगर किसी गिवन टाइम के अंदर अंदर आप कर लेंगे तो इसका मतलब आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, काम के दौरान मोबाइल कंपलसरी इस्तेमाल होना है, तो ठीक है, मतलब उसके बाद लेकिन इनएफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब आए डिसाइड करते हैं कि ये जो 432 है ये फेवरेबल है या एडवर्स है। इसका तरीका सुने, यहाँ पर रेट्स की डिस्कशन नहीं है, 2.4 एंड 2.4 ये दोनों सेम है। तो तरीका क्या है, 900 × 1 क्या आंसर आया, 900 आवर्स का काम, 900 × 1.2 1080 आवर्स में हुआ। तो क्या एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा है? Yes, आपका बिजनेस है कैसा लगा है? एडवर्स है। कब अच्छा लगेगा? जब एम्प्लॉइज काम के हवाले से जज्बाती हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे और काम करी जाएंगे और कम टाइम में ज्यादा काम कर देंगे, आपको अच्छा लगेगा। देखें तो आप एम्प्लॉइज नहीं है कैंडी, आप ओनर है बिजनेस के और आप अपने बिजनेस के वेरियंसेस देख रहे हैं। कब ये एडवर्स हुआ करेगा? जब एक्चुअल आ जाता ज्यादा टाइम में काम किया। फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल आ जाता। फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल आवर्स कम हो गए। और एडवर्स कब होगा? एक्चुअल आवर्स ज्यादा होगा। ठीक है, इस वक्त एडवर्स क्यों? और डेफिनेटली किससे ज्यादा? ये तो अंडरस्टूड बात है, स्टैंडर्ड से ज्यादा, तो शायद इसको बार बार बोलना जरूरी है। बोलने पूरा सेंटेंस फिर ये कि अगर एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड से ज्यादा है और अगर एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड से कम है तो कंपेरिजन तो स्टैंडर्ड से है ना। जी सर, राइट साइड वाले, राइट साइड की अमाउंट का डिफरेंस है 2160 and 2592 क्या आंसर आता है? 432। ये 432 आया क्यों है? रेट की वजह से। तो पहले इसका नाम लिखा था लेबर रेट, नहीं बेटा प्राइस कहना या लेबर के लिए जरा मुनासिब नहीं। एक सेकंड के लिए जरा एम्प्लॉई बने, अगर आपको कह रहे आपकी प्राइस सही तो जरा बड़ा मुनासिब नहीं लगता। मटेरियल के लिए तो बोला जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह लेबर रेट वेजेस प्राइस क्या कहा तो जा सकता है। वैल्यू भी रहने दिया, रेट ठीक है बस। वैसे तो रेट भी जाते हैं आपकी रेट ये प्राइस जरा यूज नहीं होता। वेजेस है, वेजेस का रेट, लेबर वेजेस रेट वेजेस, ये तो अंडरस्टूड बात, लेबर वेज रेट वेजेस है। जी सर, अब ये कैसे पता चलेगा ये फेवरेबल है या एडवर्स? रेट्स देखें, बिल्कुल ठीक है। क्या रेट्स नजर आ रहे हैं? क्या एक्चुअल रेट कम पे किया आपने? कैसा लगा? आपने अपने एंगल सोचना, एम्प्लॉइज बेचारे अपना वेरियंस खुद कैलकुलेट करेंगे बेचारे, आपने अपने एंगल से डिसीजन लेना है। तो वाई फेवरेबल, क्योंकि एक्चुअल रेट कम है, कम रेट के हिसाब से पैसे देने पड़े। तो ऊपर जीरो क्यों था फिर? क्योंकि लेबर एफिशिएंसी का और लेबर रेट का फेवरेबल और एडवर्स वेरियंस आपस में नेट ऑफ हो गया था। दो फेवरेबल वेरियंसेस हो तो आपस में प्लस हो जाएंगे, एडवर्स वेरियंसेस हो एडवर्स वेरिएंसेस भी आपस में प्लस हो जाएंगे, और अगर फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस हो तो आपस में नेट ऑफ होकर जीरो। एनी कंफ्यूजन? मैं इसको समेट लें जरा, जिस ऊपर फाइनली समेटा था।
इस मतलब इन इस बॉक्स को ज़रा तरतीब लगा दो। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है लेबर वेरियंसेस में? लेबर टोटल वेरियंस। फर्स्ट बॉक्सेस देखिए हमने सामने बने हुए दो। लेबर टोटल वेरियंस कैसे कैलकुलेट होना चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। लेफ्ट ब्रैकेट क्या बताएगी? नहीं नहीं पता रहा बीच हाँ बीच ना 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 इस गाने के छोड़ दे लिखा पेज नंबर 56 पर है। फ्लेक्स बजट देखें ऊपर ऊपर 2160 राइट साइड देखें क्या बता रहा है ये ब्रैकेट क्या बता रही है? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। पेज नंबर 75 पे जाएं एंड में जाएं वो 2160 क्या बता रहा है? एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। हाँ इन दोनों का वेरियंस जो है वो फिर लेबर का टोटल वेरियंस और वो फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल खर्चा कम होगा। मेक द थिंग्स काइंडली सिंपल। और एडवर्स कब होगा? जब एक्चुअल खर्चा कम होगा। लिखें तो ये मैं ब्रैकेट्स के नीचे मतलब मीनिंग्स लिख रहा हूँ मतलब ये फिगर्स कैलकुलेट कैसे होंगी और इन फिगर्स का मीनिंग क्या है। ये कर लिया स्टूडेंट कर लेती है। देन सर जी इसका ब्रेकअप खुद से करने की कोशिश करें कि लेफ्ट और राइट बॉक्स देखकर अगर कुछ कॉमन हो सकता है कोशिश करें जरा अपनी वो जो ऊपर डायग्राम सॉर्ट ऑफ है उसे देखें नाम भी लिखे हुए हैं ब्रैकेट्स में जो कॉमन है उसको इकट्ठा कर लो। ये ठीक है मौसम बस लिख लो स्टैंडर्ड रेट कॉमन आ जाएगा। फॉर्मूले का नाम लेबर आवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टोरी जो है वो तकरीबन ये आपस में मिलती जुलती हो जाती है। वो जो मटेरियल में वर्ड्स हैं वहाँ क्वांटिटी यूज्ड के एंगल से या आवर्स वर्क के एंगल से स्टोरी सेम चल रही है। वैसे अगर कोई लॉजिकली देखे तो शायद ये भी इतना भी मुश्किल नहीं कि फॉर्मूले याद हो सके। बारह क्लियर है प्लीज कॉमन रखा मैंने ऑपोजिट साइड पे लेबर रेट में क्या कॉमन होगा? एक्चुअल आवर्स वर्क कॉमन होगा। डिफरेंस किस किस का रह जाएगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और देन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल वर्क। You noted it?
लिख लिया तो मेरे ख्याल एक वेरिएबल और एक वेरिएंस फिर पल सही मतलब पेज नंबर 79 का एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। पेज नंबर 79 सेंटर ऑफ द पेज क्वेश्चन नंबर 1 ईपीएसएल ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख चुके हैं बेटा। टू मच टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सर जस्ट टू मच। जी डी ईपीएसएल enterprises manufactures a food product detail of which are as under first line under the standard cost per unit ek heading si bani hui hai standard cost per unit full concentrate game is seriously on in formulas mein koi issue nahi hai bas examiner aapko fasayega aise aise ki aapne fasna nahi hai bas स्टोरी अंग्रेजी में बताना उसमें वो कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट नीचे लिखता है मटेरियल 60 केजीस एट द रेट ऑफ 48 पर केजी वन यूनिट शुड टेक 60 केजीस एंड वन केजी शुड कॉस्ट 48 रुपीस पर केजी। वन केजी जब मैं कहता हूँ तो पर केजी एक केजी वन यूनिट शुड टेक 480 लेबर आवर्स right yes, and one hour should cost 8 rupees hour should cost 8 rupees theek hai then uske baad ek aur heading aagi actual cost for the month abhi actual kharcha aa gaya material ke kitne kgs istemal hua 5900 kgs 1 kg kitne ka aaya hai 50 रुपीस का लेबर ने कितने घंटे काम किया है 47,500 आवर्स काम किया है और एक घंटे के पेमेंट आप एक घंटे की पेमेंट आपने किस हिसाब से की है लास्ट टाइम एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है 100 यूनिट्स क्या 100 यूनिट्स को बनाने में 5900 केजीस लगे हैं क्या 100 यूनिट्स को बनाने में 47,500 आवर्स लगे हैं वर्किंग शुरू करने रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द मटीरियल एंड लेबर कॉस्ट वेरियंसेस जितने जितने पढ़े हैं अभी तक वो सारे अप्लाई करवा दें जिस पर खोलना है फुल कंसंट्रेट करना मटीरियल टोटल वेरियंस हमेशा वेरिएंस कैलकुलेट करने से पहले फार्मूला लिख के कीजिएगा वरना फिगर्स ढूंढना आसान नहीं रहेगा। आप जरा कोशिश करेंगे जुबानी देने फार्मूला आ जाए ना ये तो पिछले पेजेस पे देखें लेकिन बारे में कोशिश जरूर करें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट लिखें बस फाइन नोट करें। कम ऑन मगर बुक देखनी है तो सेंटर में रखो जी सर। हाउ टू सर्च द डेटा जाने से बड़ी बात ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज सही आ रही है चलो ठीक है शायद बीच में प्रॉब्लम है जी डी हाउ टू सर्च द डेटा छोड़ दे लिखना सवाल सामने रखना जस्ट लुक एट द फिगर्स ऑफ द पर्सन व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन गेम सीरियसली ऑन है और ये जो चीजें हो किस वक्त हो रही हैं
इन्हें अगर हजम कर ले एक दो दिनों में तो आगे कुछ नहीं है, प्लीज बड़े एक्चुअल प्रोडक्शन। किस चीज की प्रोडक्शन होती है? फिनिश फूड की। 100 यूनिट्स बनाए, 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजी? 60 फाइनल। शुड टेक कहां से मिला करेगा? स्टैंडर्ड से। तो इट मींस ये काम 100 × 60 कैलकुलेटर हर वक्त रखा करें, 6000 केजीज में होना चाहिए था। क्या 100 को 60 से मल्टीप्लाई करके आप केजीज बन चुके हैं? लेकिन गेम अभी आगे है। 1 केजी शुड कॉस्ट 48 रुपीज। 1 केजी जब मैं कहता हूं तो पर केजी कह रहा हूं, 60 पर केजी मींस 60 फॉर एवरी केजी, 60 फॉर 1 केजी, 48 फॉर सॉरी 1 केजी। तो 1 यूनिट शुड टेक 48 रुपीज। फिर वो बात खत्म हो गई, फिर वो कहीं पर वो एक दफा हो गया पहले। या तो ये मेरा ख्याल इस्लाम वाले 48 रुपीज पर केजी, या शायद अगर ये मैंने पूछा है 1 केजी शुड कॉस्ट 48 रुपीज। ठीक, ये यहां तक सॉल्व कर। 2,88,000। What is 2,88,000 का पूरा नाम? It is standard cost of 100 actual production units. अब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर वक्त ज़हन में रहना चाहिए। ये फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर है, मत लिखें गलत हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, ठहर गया। दूसरी ब्रैकेट बनवाएं। सर जी लिखना तो 1 सेकंड का काम है, जिस तरह से आप देख के लिखते हैं वो तो 1 मिनट में आपने देख के लिखना है, तो दैट इज नॉट एन इशू। सेकंड ब्रैकेट बनवाएं। Taken how many kgs? No. मेरा सवाल सुना नहीं आपने, और आप एक फिगर देख लीजिए उसी को बोली जा रहे। 1 यूनिट has actually taken how many kgs? Available नहीं है, ये 5900 के है। तो मेरा सवाल और है, ये वो नहीं, ये वो ठीक है वही है, लेकिन ये वो नहीं है मैं पूछ रहा। एक यूनिट का बनाने में एक्चुअली कितना मटेरियल लगा है वो गिवन नहीं है, लेकिन वो गिवन हो जाएगा इंशाल्लाह, अवेलेबल सॉरी हो जाएगा, गिवन नहीं है। 5900 होने के है ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, इट मींस ये आंसर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम एक काम और कर सकते हैं। 5900 लिखेंगे कैलकुलेटर, ये 5900 है क्या? ये कितने यूनिट्स का बनाने में केजीज इस्तेमाल हुए? तो क्या मैं ये नहीं कैलकुलेट कर सकता कि एक यूनिट का बनाने में कितने एक्चुअली केजीज लगे हैं? कैसे कर सकता हूँ? 5900 डिवाइड बाय 100, तो व्हाट इज 59? 1 unit has actually taken 59 kgs into 100, वही 5900 आंसर अवेलेबल है, लेकिन इस तरह से कैंडी लिखें। डेफिनेटली 100 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, कैंसिल हो जाना उसमें, लेकिन प्लीज अगर जरूरत पड़े तो एक्चुअल क्वांटिटी पर यूनिट निकाली जा सकती है। 5900 का पूरा नाम बोले, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन टू गेट द पर यूनिट एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर 1 यूनिट। ठीक है सर, तो बहरहाल 5900 शायद वही था जो चाहिए था। क्या चाहिए था? एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, लेकिन इनटू अभी गेम है मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज 50। एक्चुअल रेट पर केजी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि केजीज में वर्किंग हो रही है, 5900 केजीज है, केजीज में वर्किंग होगी तो केजीज का रेट निकालेंगे, लीटर्स में करेंगे, यूनिट्स होंगे। मेक द थिंग सिंपल, लिखिए आप, लिखो लिखो। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? तो प्लीज लुक एट डेटा, क्वेश्चन सामने रखें, डेटा आपके सामने भी है, एक एक बात कंसंट्रेशन से सुने।
295,000 रुपीज सॉल्व हो गए। नाम इसका क्या है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। बेटा क्वेश्चन में पढ़े एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मंथ, प्लीज पढ़े। पूरे महीने में ये हुआ है, ये सवाल बताएगा प्लीज, ये नहीं हो सकता। एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ, पूरे पीरियड की कॉस्ट है ये। जी सर, डिफरेंस नहीं सर। व्हाट इज 7,000? मटेरियल टोटल वेरिएंस। 7,000 मटेरियल टोटल वेरिएंस। व्हाई इट इज एडवर्स? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है और बात खत्म हो गई। ब्रेकअप बना, ये क्लियर है सर? ब्रेकअप के नाम लिख के फॉर्मूलाज डिफाइन करें, ढूंढे ढूंढे फॉर्मूला को ढूंढ ढूंढ कर देखें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज क्लियर है सर? यहाँ तक 900 बेटा हो गया। सब डिवीजन का नाम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल रेट वेरिएंस। बाकी बेटा पर यूनिट आ रहा है। ताकि पर यूनिट आ जाए 5900 डिवाइड बाय 100, ताकि एक यूनिट का एक्चुअल मटेरियल आ जाए। जी सर, क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल। जी सर, हाँ फिगर्स में स्टार्ट होना, ये फिगर्स सोचना बस इशू है। अवेलेबल होता है डाटा, लेकिन उनको सोचना कैसे है कि इन वर्ड्स, जो वर्ड्स लिखो इनमें कैसे बिठाना। जी सर, एक्चुअल प्रोडक्शन बताए 100 यूनिट्स, 1 यूनिट शुड टेक 60 केजीस, बस यहां तक पहली बात खत्म हो गई। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 100, अब जरूरत नहीं है शायद उस 100 की, वो पहले वर्किंग कर चुके हैं। अगर हम उससे कंफर्टेबल हैं तो 5900 एज इट इज लिख दो। 5900 ढूंढे, व्हाट इज दिस 5900? इट इज एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इस पीरियड की एक्चुअल प्रोडक्शन की एक्चुअल क्वांटिटी। तो यकीनन ब्रेकअप किया जा सकता है जब जरूरत पड़े, लेकिन अगर अवेलेबल है तो लिखा भी जा सकता है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, जो वेरिएंस का डिसीजन है वो ब्रैकेट के अंदर ही है। स्टैंडर्ड रेट तो दोनों में कॉमन ही है, तो जरा कोई डिसीजन लेंगे। कितने हजार केजीज का काम कितने हजार केजीज में हुआ है? 100 × 60 करना पड़ रहा है। 6,000 केजीज का काम 5,900 केजीस में होगा, तो फेवरेबल हो गए या एडवर्स हो गए? लेकिन रुपीस निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट होने 48। तो डिसीजन ब्रैकेट के अंदर है, कंपैरिजन ब्रैकेट के अंदर है, वेरिएंस वहां से निकलना है। कैसे निकलना है? कि एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है, कि एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है। आंसर फाइनल बताएं, 4800 फेवरेबल है या एडवर्स है?
वाई फेवरेबल, एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है, लिखे ये वो तो 100 किलो लगा है, मैं कह रहा हूँ कम लगा 5900। प्रॉब्लम यही निकलना थोड़ी देर, 100 × 60 करना है सर, वो कौन करेगा सर, हम कर चुके हैं सर। तो 6000 kg का काम 5900 kg में हो गया, फेवरेबल हो गया, एडवर्स हो गया। केजीज में 100 kg फेवरेबल है और रुपीज के एंगल से 4800 rupees फेवरेबल। ठीक है जी, डन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी। मैं समझ में प्राइस वेरी रेट वेरिएंस कैलकुलेट करो, नहीं सवाल मेरे हैं, जवाब आपके, सवाल सवाल मेरे ही हैं, वो सुनने सबने है जी। हेड व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर केजी, अब पर केजी मैंने क्यों बोला, बोर्ड पे देखा था, इस ब्रैकेट में बाद में मल्टीप्लाई किससे होना है, उस क्वांटिटी से जो केजीज में है, पर यूनिट नहीं, ये पर केजी क्यों लेना है, क्योंकि मटेरियल केजीज में इस्तेमाल हो रहा है, अगर मटेरियल लीटर्स में इस्तेमाल हो रहा हो तो पर लीटर लेना है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर केजी, व्हाट इज एक्चुअल रेट पर केजी, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होने गिवन है 5900 kg गिवन है। डिसीजन इसका भी ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर क्या डिसीजन है, एक केजी कितने का आना चाहिए था, कितने का आया है, कैसा लगा है, क्यों बुरा लगा है। एक्चुअल रेट अगर ज्यादा है तो 2 × 5900 1080 1180 sorry 11800 फेवरेबल है या एडवर्स है, वाई एडवर्स, एक्चुअल रेट ज्यादा है, वहां एक्चुअल क्वांटिटी, यहां एक्चुअल रेट, नहीं पूरे वर्ड्स, एक्चुअल रेट ज्यादा है, ज्यादा रेट पे खरीदा है, नुकसान हुआ है। ठीक है जी, और अल्लाह का शुक्र आपने बात कर दी, मैं भी करने लगा था। किसी पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बहस नहीं है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आंसर भी पॉजिटिव आता है जब फेवरेबल होता है और नेगेटिव आता है जब एडवर्स होता है, लेकिन प्लीज अगर ये होना था तो मैं कल ये बात करके खत्म कर देता, हमने कैसे सोचना है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो प्लीज ये पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर का कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फार्मूला बना वैसे ही हुआ है, लेकिन इस साइंस पर छोड़ दीजिएगा, कैसा लग रहा है, आए और इंजॉय करें, अभी 7-8 मिनट है इकट्ठे हो रहे, नहीं आपको बुरा लग रहा है। नोट कर ले, लेबर वेरिएंसेस जहां तक हो सके स्टार्ट करें। खुदा का नाम नहीं है, यानी कि मेरी कोई नहीं सुननी, अपनी साइज बढ़ानी। क्वांटिटी कम इस्तेमाल हुई है, देयरफॉर फेवरेबल है, एक्चुअल रेट ज्यादा हो गया था, देयरफॉर एडवर्स है। प्लीज मेरी भी को सुने यार, पिछले एक घंटे से बोल रहा हूँ, आपने अपनी साइज बढ़ा दी। फलाह साहब बस करते हैं यार, कोई नई साइंस नहीं, जो बात हुई है बस वही फाइनल। ठीक है, लेबर वेरिएंसेस है, रिक्वायरमेंट ए में कौन कौन से वेरिएंसेस है, लेबर टोटल वेरिएंस, डिफाइन द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय
माइनस एक्चुअल आज वर्क फ्रैक्चर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय these things require full concentration you can't lose concentration ji sir search the figures mere saath look at your data actual production bata 100 One unit should take how many hours? 480 hours standard per unit. One unit should take 480 hours according to sawal. So 100 into 480 करें. It means ये 100 units बनाना 48,000 hours का काम था. Believe your eyes. Multiply by 1 hour should cost. 8 rupees should cost answer 384,000 what is the name of 384,000 standard labor cost of actual production 100 units ka agar banaya hai to is data ke base pe 384,000 rupees ke labor ka kharcha hona chahiye ruk jaye ruk jaye ruk jaye opposite bracket banwa What is actual production? 100. One unit should take. One unit has actually taken. One unit should नहीं होना चाहिए. One unit has actually taken how many hours? How many hours? 47,500 नहीं है. उसी तरह की story है. What is 47,500? Total actual hours. हमें क्या ढूंढना है? तो क्या अगर हमें ये पता हो कि 47,500 आवर्स में 100 यूनिट्स बने हैं तो एक यूनिट के घंटे एक्चुअली ढूंढे जा सकते हैं कैसे करो 47,500 आवर्स में कितने यूनिट्स बने हैं 100 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं पर यूनिट आ जाए अब पर आर नहीं है हिम्मत मारो जो ना हिम्मत मारो डिवाइड बाय क्या है ये 100 आर्स डिवाइड बाय यूनिट्स किए आपने तो आंसर क्या आएगा आर्स पर यूनिट एक घंटे में या एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे एक्चुअली लगे हैं 475 आर्स एक्चुअली लगे हैं हाँ डेफिनेटली 47,500 अल्टीमेटली है वही जिसकी हमें तलाश है 100 तो कैंसिल होके एक्चुअल आर्स वर्क 47,500 नहीं है लेकिन बहरहाल इस तरह लिखेगा अगर जरूरत पड़े तो पर यूनिट पर आर सब कुछ बन सकता है यहाँ मैंने क्या बनाया है आर डिवाइड बाय यूनिट्स आर पर यूनिट निकले 475 आर्स पर वन यूनिट और देयरफॉर 100 यूनिट्स के 47,500 आर्स और मल्टीप्लाइड बाय सॉरी एक्चुअल रेट क्या है 9 4 to 7 5 double 0 what is 4 to 7 5 double 0 actual labor cost ठीक है ये आपके फिगर में कंफ्यूजन तो नहीं आंसर बताएं 43,500 एडवर्स क्यों है एक्चुअल खर्चा है बुरा लग क्यों लग रहा है क्योंकि एक्चुअल खर्चा है थोड़ी सी बातें रहेंगे टाइम खत्म हो रहा है स्पीड अप हो जाएगा मिशन पूरा करा कहीं क्लोजिंग स्टॉक ना बचे कल 0 से दोबारा शुरू करना जी सर ब्रेकअप होमवर्क है किस किस नाम से एफिशिएंसी और ग्रेड लेकिन इस तरह अब रख लें टेस्ट की बात हो रही थी तो दो तीन क्वेश्चंस जरा जॉइंट बाय प्रोडक्ट का भी लिख लें प्रोसेस कॉस्टिंग को आप कर ही रहे हैं तो दो तीन क्वेश्चंस बोल रहा हूँ मिक्स करके कर लें मंडे या ट्यूजडे फिर डिसाइड कर लेंगे आप लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे
जॉइंट बाय प्रोडक्ट के क्वेश्चंस के नाम बोलने लगा सब सवाल ढूंढने चैप्टर के एंड में एक ऑशियनिक मिलेगा जल्दी से उसके शॉर्ट वर्ड्स में लिखें ऑशियनिक लिख लेंगे कि नहीं ऑशियनिक ढूंढना है क्लोन ढूंढना है क्लोन क्वेश्चन नंबर 5 कहीं पीछे मिलेगा ऑशियनिक ढूंढना है और एंड में बुक के एंड में क्रिकेट केमिकल्स के नाम से किया था यस सर उसका मतलब पेज नंबर अगर सो दे वो भी कर अब वो तो आपकी मर्जी है मैं 3-4 बता रहा हूँ बाकी आप जितने करना चाहें कल वेल है इंशाल्लाह टाइम है आपके पास जो दो दिल करे करें 184 पे क्रिकेट केमिकल्स मैं 3 बता रहा हूँ मिनिमम ये जरूर करें प्रोसेस कॉस्टिंग के भी 2-3 करें जो मैंने पिछले दिनों बताया भी वही है पेज नंबर 184 पे एक ही सवाल क्रिकेट केमिकल्स के नाम से बता दो ठीक है सर तो कांडी अपनी प्रिपरेशन करें मेरे ख्याल है कोई यहाँ तक रिवीजन हो जाए ताकि हम आगे चल सकें पेज नंबर 184 अल्लाह हाफिज़